वसूली के चक्कर में किन्नरों के गुट आपस में भिड़ गए। पहले दो गुट आमने सामने आए, बाद में विवाद बढ़ता गया और देखते ही करीब 200 किन्नर गोंडवाना चौक परिसर में जमा हो गए। सभी के बीच जमकर हाथापाई और गाली गलौज हुई। वे सड़क पर तमाशा होते देख नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अलग अलग गुटों के 10 से 15 किन्नरों को हिरासत में लिया और थाने ले गई। इसके बाद थाने में बवाल शुरू हो गया। सभी गुट एक दूसरे पर आरोप करने लगे। दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही और आखिर पुलिस ने सभी को समझा कर थाने से रवाना किया। गोंडवाना चौक के समीप केवल रामानी परिवार रहता है। कुछ दिन पहले ही परिवार में बच्चे का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंदित था। शनिवार को तृतीय पंथियों का एक ग्रुप उनके घर पहुँचा। बधाई के गीत गाए और मोटी दक्षिणा भी ले जाते जाते घर के दीवार पर अपना नंबर भी लिख दिया। रविवार की सुबह 11:30 बजे के दौरान दूसरा गुट घर पर पहुंचा और दक्षिणा मांगने लगा। केवल रामानी परिवार ने उन्हें बताया कि एक ग्रुप पहले ही मोटी रकम लेकर जा चुका है। इसके बाद भी वे पैसों की मांग करते रहे। उन्हें दूसरे गुट का नंबर बताया गया। अपने एरिया में दूसरे गुट से सेन लगने से किन्नरों ने बताए गए नंबर पर फोन कर गाली गलौज की। दूसरा गुट भी पहुँच गया। इसके बाद दोनों गुट वहां पहुंचे। केवल रामानी के घर के सामने ही सभी आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट होने लगी। रास्ते पर ही आपत्तिजनक हरकत करने लगे। ऐसे में पुलिस को जानकारी दी गई। तब तक बड़ी संख्या में किन्नर जमा हो चुके थे। उन्हें थाने चलकर शिकायत करने को कहा गया, लेकिन विवाद कम नहीं हो रहा था। आखिर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद 15 किन्नरों को थाने ले जाया गया। उनके पीछे करीब 200 किन्नर भी थाने पहुंच गए। दिन भर गहमागहमी चलती रही। थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इंस्पेक्टर विनोद चौधरी ने सभी को समझाया और शाम 6:30 बजे डिटेन किए गए। किन्नरों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस ने सभी गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कल दोपहर को 11:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, सदर गोंडवाना चौक यहाँ पे कुछ तृतीय पंथी लोग आपस में अश्लील गालियां बक्के मारापीटी कर रहे है। ये इन्फॉर्मेशन से जब हम वहाँ पे गए तब हमें मालूम पड़ा वहाँ कोई केवल रामानी के घर में कुछ फंक्शन था। उस फंक्शन में तृतीय पंथियों का कुछ ग्रुप वहाँ पे गया था। उनको उन्होंने कुछ चढ़ाव की रकम दी थी। उसके बाद में तृतीय पंथियों का और एक ग्रुप वहाँ पे आया और उन्होंने उस चढ़ाव में से उनका हिस्सा मांगा। इस पे से इनमें आपस में झगड़ा हुआ और इस पे से उन्होंने वहाँ पे घर कह दिया कि मंडली वहाँ पे जमा की और आपस में उन्होंने एक दूसरे को अश्लील गालियाँ देके धमकियाँ दी और आपस में उन्होंने सार्वजनिक ठिकान के ऊपर में मारापीटी की। इस संदर्भ में हमने उनके ऊपर में कलम 143, 160, 294, 506, 188, 269, 270 IPC, 135 मपो का और कोविड के संदर्भ के सेक्शन अनुसार हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है और उसमें हमने 15 तृतीय पंथियों को अटक किया हुआ है और अभी अगली कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक मानसी, BCN News, नागपुर।